हेलो एवरीवन, मैं जेनिओड आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों का जो 75% क्राइटेरिया का क्या रहने वाला है, उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, तो यार इस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, तो उसके साथ साथ देखो यार, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेट 6 लाख के अप्रोक्सीमेट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन जेई के, जो जेई मेन फर्स्ट अटैम्प्ट के, क्योंकि जेई मेन सेकंड अटैम्प्ट के अलग होने वाले हैं, ये सिर्फ जेई मेन फर्स्ट अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक देखो यार, लगभग मान के चल सकते हो कि 2 लाख के अप्रोक्सीमेट वो रजिस्ट्रेशन आने बाकी है, तो इसके हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि 8 लाख रजिस्ट्रेशन अप्रोक्सीमेट जाएंगे। पिछले साल के मुकाबले लगभग 70 से 1 लाख के अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हो, उसके बीच में ये कम रहेंगे, क्योंकि पिछली बार क्या था कि 75% क्राइटेरिया लागू नहीं था, उसकी वजह से क्या था कि बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए थे। अब की बार इस बात से डर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको फॉर्म फिल जरूर करना है जिन बच्चों के 75% मार्क्स नहीं है, क्योंकि ये जो लागू होता है, अभी तक ये NIT IIIT सिर्फ इनके बारे में बोल रखा है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा आपने कैलेंडर देख लिया होगा, उसके अंदर जो भी लिख रखा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर फिल करना है, क्योंकि उसके अलावा भी यार बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट देते हैं, तो आप एक बार फॉर्म फिल जरूर करें। हो सकता है कि इन फ्यूचर 75% जो क्राइटेरिया वो हटा दिया जाए, क्योंकि अभी तक NTA JAB ये सारे के सारे जो है, अब इसमें जो डाउट बन रहा है उनको खुद को कि लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पिछले सालों की तरह ही लागू किया जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन अब की बार कम आ रहे हैं, तो क्या पता ये हटा दिया जाए, इन फ्यूचर ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन जरूर फिल करना है। उसके साथ साथ अगर आपके एग्जाम डेट की अगर बात करें, तो यार एग्जाम डेट NTA पोस्टपोन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी ने देखो यार कोशिश तो पूरी चल रही है कि आपका एग्जाम डेट पोस्टपोन हो जाए, लेकिन फिर भी सभी बच्चों के लिए इस चीज़ में बराबर है कि आपका अगर एग्जाम डेट पोस्टपोन ना भी हो, तो सारे के सारे बच्चे इस चीज़ में सोच सकते हैं यार सभी की तैयारी बराबर है, और उसके साथ साथ सभी का सिलेबस भी उसी हिसाब से हो चुका है जिस हिसाब से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए करना था। मानते कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि फरवरी या मार्च में जाके कंप्लीट हो रहा है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन फिर भी आपको अच्छी तैयारी करनी है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10-10 साल के तीनों सब्जेक्टों को उठा लीजिए। अगर 10 ईयर्स अगर आपने कोई भी जेई के अगर क्वेश्चन लगा दिए हैं, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी एक्यूरेसी आप लेके आओगे, तो आप तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी जेई की अपडेट आती है तो मैं आपको अवेलेबल जरूर करूंगा। इस चीज़ में आपको नहीं रहना है कि पोस्टपोन होगा, आपको जनवरी की जो डेट दे रखी है उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आओगे, अच्छे नंबरों से आप बहुत अच्छे परसेंटाइल आपके बनेंगे, आप इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहिए।